वेलकम बैक टू स्विम स्टडी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के डेली अपडेट में डेली ट्रेंडिंग न्यूज है क्या देखने वाले हैं। दोस्तों आज ही हमारे HRD मिनिस्टर ने इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया है। पॉलिसी में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या मेन पॉइंट है, क्यों एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगी, कब से वो अनाउंसमेंट हो गया था, दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाइव अपडेट देखने वाले, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय 2013 एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि एक से ज़्यादा भाषा के ऊपर पढ़ाया जाएगा कॉलेज में। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एवरी डिस्ट्रिक्ट में वो कंस्ट्रक्शन करने वाले 2013 तक। दोस्तों इसका एम रखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम इतना ही है। दोस्तों HRD मिनिस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाइव अपडेट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। करंट एंड फॉर्मर HRD मिनिस्टर टू जॉइंटली होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द सेम एट द 4 PM। सेवरल चेंज द लाइकली अहेड फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों थोड़ा एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने वाला। दोस्तों डिजिटल इंडिया के हिसाब से एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला है। दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल आपको पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल है। दोस्तों इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर तो मैं सब कवर करने वाला हूँ, बट आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इज एक्सपेक्ट टू रीनेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन HRD मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि नाम रीनेम चेंज करने का अनाउंसमेंट किया है। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इज लाइकली टू मेक द अनाउंसमेंट एट द 4 PM वेडनेसडे एज द ब्रीफ ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच रिवाइज द कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एक्सपेक्ट टू बी रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों HRD मिनिस्टर का नाम चेंज होकर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है। दोस्तों इसका अनाउंसमेंट रमेश पोखरियाल ने टुडे 4 PM तो किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम सिंगल रेगुलेटरी फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। दोस्तों की पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी का, द न्यू पॉलिसी रिवाइज द सिंगल रेगुलेटरी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया। न्यू पॉलिसी रिवाइज द सिंगल रेगुलेटर हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया SECI। द SECI विल बी फंक्शन एज द कॉमन सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग द टीचर एजुकेशन। दोस्तों यही मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, दोस्तों हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रिवाइज करता है। दोस्तों ये टीचर की भी पूरी की पूरी मेन बॉडी है। दोस्तों MHRD रीनेम द एजुकेशन मिनिस्ट्री। दोस्तों MHRD मिनिस्टर को जो मिनिस्ट्री है उसको रिकमेंडेड किया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको रख दिया जाए। कमिटी द वी सजेस्टेड चेंज द एजुकेशन सिस्टम अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के सिवन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज ड्राफ्टेड इन 1986 एंड अपडेटेड इन 1992। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज पार्ट ऑफ द इलेक्शन मैन्युफेस्टो ऑफ द रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी अहेड ऑफ द इलेक्शन 2014। दोस्तों 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने मैन्युफेस्टो लॉन्च किया था, दोस्तों इसी में इसने बताया था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले। दोस्तों वो ऑलरेडी ड्राफ्टेड हो चुकी थी 1986 में। दोस्तों इसका अपडेट हुआ था 1982 में। तो दोस्तों मैन्युफेस्टो में BJP ने कहा है तो वो BJP पार्टी करने ही वाली है दोस्तों, और उसने करके ही बताया। दोस्तों इसका की पॉइंट वो है कि दोस्तों वो BJP पार्टी जो बताती है वो डेफिनेटली करती है। और दोस्तों आपने देखा ही होगा कि आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, और सभी जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन डिसीजन है, दोस्तों उसी ने
सत्ता में आके एक साल में कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों हमारे जो आने वाले इंडिया के जो फ्यूचर के जो छात्र हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों डिजिटल का यूज़ करने का प्रावधान रखा गया दोस्तों। डिजिटलाइजेशन होगा तो दोस्तों ईजिली लर्निंग हो सकती है दोस्तों, ईजिली आपको जॉब मिल सकती है दोस्तों, आप घर बैठ के जॉब भी कर सकते हो दोस्तों। की पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दोस्तों, हाल फिलहाल इतना ही अपडेट निकल कर आ रही है, बट दोस्तों ये न्यूज़ बहुत कम कवर कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल करेंटली 2:30 बजे इंडिया में फाइव राफेल आने वाले थे अबू धाबी से, अंबाला पर वो तैनात करने वाले थे दोस्तों। इसके लिए अंबाला में कर्फ्यू भी 144 भी लग गई थी दोस्तों। एजुकेशन न्यूज़ पॉलिसी को सब दोस्तों, सब मीडिया, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, कोई TV9 हो, आज तक वो कई मीडिया वो कवरेज नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल राफेल की डील चल रही है और राफेल इंडिया में तैनात होने वाला है, तो सब मीडिया अब राफेल की सर्च में पड़े हुए हैं। बट तो दोस्तों मैंने ऐसा सोचा कि सब मीडिया राफेल का कवरेज कर रही है दोस्तों, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। न्यू एजुकेशन न्यू पॉलिसी है दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों। आप स्टडी करते हो, आपके आने वाले फ्यूचर के बच्चों भी स्टडी करते हैं दोस्तों, इसके आने वाले इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी है दोस्तों। पूरी की पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो PDF रिवाइज होकर आएगी दोस्तों, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, अभी तक इसकी अपडेट नहीं आई है दोस्तों, इसलिए मैंने पूरी PDF अपलोड नहीं की है, पूरी PDF मैंने एक्सप्लेन की नहीं है दोस्तों। इतनी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, डेली ट्रेंडिंग न्यूज, डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट सर्कुलर देखने के लिए, डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट सर्कुलर देखने के लिए, और डेली करंट अफेयर और डेली जनरल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए, और डेली एजुकेशन न्यूज देखने के लिए दोस्तों, और ऑल गवर्नमेंट स्कीम देखने के लिए, जैसे कि एक स्कीम हुई, ऐसी सब स्कीम की डिटेल में डिस्कशन देखने के लिए दोस्तों। अभी तक आपने स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब वीडियो की अपडेट आपको वहां पर से मिल जाएगी दोस्तों। इंस्टाग्राम स्वयं स्टडी पेज है दोस्तों, इसको भी आप फॉलो कर दीजिए क्योंकि मेरे अपडेट वहां पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के फोटो अपलोड करता हूं विद आंसर दोस्तों, इसको भी आप फॉलो कर दीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप में मेरा 3 ग्रुप है दोस्तों, एक स्वयं स्टडी है ग्रुप, और दोस्तों दूसरा ग्रुप है डेली अपडेट, और तीसरा ग्रुप है दोस्तों फैशन शो। अगर दोस्तों आपको किसी भी इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करनी है, मेंस की हो या वुमेन्स की हो, जैसे मेंस की बात करें तो शूज हो, वॉच हो, क्लॉक हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करनी है दोस्तों मेंस की और वुमेन्स की दोस्तों, इसके लिए मैंने फैशन शॉप स्टार्ट किया है दोस्तों। फैशन शॉप ग्रुप में आप दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप के दोस्तों 3 ग्रुप है, डेली अपडेट में सब अपडेट आपको मिल जाएगी, और तीसरा ग्रुप है दोस्तों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अपडेट का ग्रुप है दोस्तों। तीनों ग्रुप में आप दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। आपको किसी भी प्रोडक्ट आपको परचेज करनी है दोस्तों, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप दोस्तों आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और ग्रुप में आपको सब कैटलॉग मिल जाएगी, और दोस्तों आपको यहां से सब डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। आपको कोई पता नहीं चलता तो दोस्तों आप मेरे को मैसेज कर देना दोस्तों। तीनों ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, और दोस्तों मेरा ट्विटर और लिंक्डइन में जुड़ना चाहे तो दोस्तों इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।